हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल तैयारी। आज हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कहा था पिछले वीडियो में कि आपको हम गोल्डन ग्लोब में अवार्ड मिले हैं, उसको विस्तार में हम एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक लाइनर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी को 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है लॉस एंजलस में। लॉस एंजलस कहाँ? USA में है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है 1917 का। किसे मिला है? 1917 को मिला है ये, और 1917 का थीम। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है जॉकिन फिनिक्स को। ये जोकर फिल्म है, उसमें इन्होंने जोकर का रोल किया था, इसलिए इसको 2020 ग्लोबल, इसलिए इनको ग्लोबल गोल्डन अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है रीनी जवेलकर को। जूरी फिल्म में इन्होंने लीड रोल निभाया था, इसमें इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 मिला है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सैम मेंडिस को। इन्होंने 1917 मूवी को डायरेक्ट किया है, जो हमने भी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, 1917 को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, और इसके जो डायरेक्टर हैं उनको भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है पैरासाइट को, जो साउथ कोरिया की मूवी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो फॉरेन लैंग्वेज के पिक्चर के जो अवार्ड होते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पैरासाइट है, जो साउथ कोरियन मूवी है, इसे मिला है। ये था गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।